जो उम्मत मुस्लिमा के खून के से हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट आप पी रहे हैं शौक के साथ, जिनके हाथों से आपके भाइयों का, आपके भाइयों के बच्चों को जबा किया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट आप शौक के साथ पी रहे हैं। अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी सेहत। अपनी सेहत का मतलब क्या होता है? इस वक्त हमारी मार्केट में अक्सर चीजें वो हैं जो तुम्हारी सेहत के लिए जहर है, लोग शौक के साथ खा रहे हैं। ये फास्ट फूड, ये चॉकलेट है, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये पेस्ट्रियां, ये सारी आपकी सेहत के लिए मुजिर हैं। कोई सा मेडिकल वाला बताए कि इन तमाम चीजों के खाने में मेडिकली क्या फायदे हैं? जवाब है कुछ नहीं। ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं, ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स इंसानी सेहत के लिए जहर हैं। और रिसर्च करके देख लो मेरे भाई, सादा पानी पीना और खाली नींबू का पानी पीना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए। आप नींबू और शहद मिलाकर के पिए, इससे ज्यादा बेहतर कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं है। लेकिन जनाब, हम तो फॉरवर्ड बन गए हैं, अब हमें वहां से कोक की बोतल लेनी है, फिर वो पीनी है, और उसमें जो केमिकल हैं, उन केमिकलों की वजह से जो इंसानी सेहतों को जहर पहुंच रहा है वो सबको मालूम। और इसके साथ साथ में ये भी है कि जो उम्मत मुस्लिमा के खून के प्यासे हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट आप पी रहे हैं शौक के साथ। जिनके हाथों से आपके भाइयों का, आपके भाइयों के बच्चों को जबा किया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट आप शौक के साथ पी रहे हैं। तो खैर, मेरे कहने का मतलब है अपनी सेहत की हिफाजत, और सेहत की हिफाजत के लिए आपको बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना होगा। इस वक्त मार्केट की बहुत सारी चीजें वो हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए खाई जा रही है, फायदा उनका कुछ नहीं। ठीक, सेहत के एतबार से उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मेडिकली उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन खा रहे हैं। बल्कि प्लस, जनाब वाला, बाहर से जितने मुर्गे कट करके आ रहे हैं और बाहर से जितने कबाब और रिश्ते बन करके आ रहे हैं, और यहां के होटलों में जितने बाहर की पोल्ट्री, तैयार शुदा पोल्ट्री खाई जा रही है, क्या गारंटी है वो हलाल है या हराम है? और लोग शौक के साथ खा रहे हैं। जिस जिस्म में हराम चला गया, जो जिस्म हराम काम में मुबतला है, कि जनाब वो कहते हैं ना, क्या हमारी आज की जिंदगी, हमारे आज की जिंदगी क्या है? हम जो चाहेंगे ईटिंग, हम जो चाहेंगे डूइंग, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो चाहेंगे खाएंगे। तो यह तो जानवरों की जिंदगी है। अल्लाह कहते हैं, तो तुम मेरे बंदे हो, तो तुम कैसे कहोगे हम जो चाहेंगे ईटिंग करेंगे और जो चाहेंगे डूइंग करेंगे? तो ईटिंग एवरीथिंग और डूइंग एवरीथिंग, ये ईमान वालों का रिश्तेवार नहीं है। हम तो कहेंगे हम अल्लाह के फॉलोअर बंदे हैं, और अगर हमें फॉलोअर नहीं बनना है तो अल्लाह ताला शान फरमाते हैं, बहुत अच्छा, साइड पर हो जाओ, जिनको तुम खुश करोगे मैं उन्हीं से तुम्हें जबा करा दूंगा, और उसके बाद फिर उन्हीं को ईमान की दौलत अदा करूंगा।